विषय है मनुष्य साधना से क्यों भयभीत होते हैं। आध्यात्मिक साधना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होने पर भी बहुत कम ही मनुष्य साधना करते हैं। इसका कारण है कि मनुष्य साधारणतः साधना के नाम से भयभीत होते हैं और इसी कारण उससे दूर रहते हैं, किंतु उनका भय कहां तक युक्तिसंगत है यह देखना चाहिए। सर्वप्रथम तो वे ऐसा सोचते हैं कि दैनिक जीवन धारा को अबाधित रखते हुए साधना करना संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए संसार त्याग देना होगा। वे लोग समझते हैं कि मुक्ति केवल नैष्टिक तपस्वियों के लिए लभ्य है, साधारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है, किंतु वास्तव में उन लोगों का ऐसा विश्वास या भक्ति बिल्कुल ही युक्ति ग्राह्य नहीं है। विचार करने पर यह देखते हैं कि उन लोगों के उपयुक्त विश्वास के समर्थन में संसार त्याग देने से साधना के लिए केवल एक सुविधा प्राप्त होती है और वह है अविद्या माया सृष्ट जागतिक मोह और विपत्ति से सामयिक छुटकारा पाकर एकांत जीवन व्यतीत करने का कुछ सुयोग। केवल इसी सुविधा के हेतु मनुष्य साधना के लिए संसार त्याग करना अनिवार्य समझते हैं। यह बात अवश्य ही अस्वीकार की जा सकती है कि जन समुदाय की भीड़ भाड़ साधना के पथ में एक बाधा है और वन की निर्जनता उसके अनुकूल है, किंतु पहले ही कहा जा चुका है कि अविद्या माया की अंधी शक्ति ही बाधा विघ्न की सृष्टि करती है। घर संसार त्याग कर केवल वन में चले जाने से ही मनुष्य इस अविद्या माया की पंजे से छुटकारा नहीं पा सकता है। अविद्या माया वन में भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ग्राम नगर के कलरों के बदले वहां जानवरों के विराट गर्जन के माध्यम से वह साधना में बाधा विघ्न की सृष्टि करेगी। अपने निजी क्षेत्र में मनुष्य साधारण अभ्यस्त हो जाता है और इसलिए वह बड़ी से बड़ी असुविधा को भी कुछ नहीं समझता है और इसलिए अपेक्षाकृत निर्जन ग्राम से आया हुआ एक व्यक्ति कलकत्ता के चौरंगी में किसी घर में ट्राम और बस की घड़घड़ाहट के कारण एक घंटा भी सो नहीं सकेगा, किंतु वहां का रहने वाला अभ्यस्त हो जाने के कारण सारी रात अच्छी तरह सोता है। उसी प्रकार कलकत्ते का कोई व्यक्ति निर्जन ग्राम में जाने पर एक रात भी रहने में भयभीत होगा, इसलिए शहर नगर के कलरों से सर्वप्रथम साधना में असुविधा होने पर उनको कोई असुविधा नहीं होती है, अतएव निर्जनता के लिए वन में जाना युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ता है। अब देखना होगा कि वन में भाग जाने पर मनुष्य जागतिक मोह से दूर रह सकता है या नहीं। मोह अविद्या माया की ही सृष्टि है, साधना द्वारा अविद्या माया का प्रभाव दूर हटाकर ही इसके हाथ से छुटकारा पाना होगा। अविद्या माया का प्रभाव दूर हटाए बिना कोई भी जागतिक मोह बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है। आध्यात्मिक साधना में अग्रसर होने से ही अविद्या माया का कठोर बंधन शिथिल कर सकेंगे। केवल संसार त्याग देने से या जंगल में भाग जाने से कोई लाभ नहीं होता है। इसमें अवश्य ही कोई संदेह नहीं है कि स्वयं को आकर्षण के विषय से दूर रख सकने पर आकर्षण भी धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और विषय की उपस्थिति से या उसमें लिप्त रहने से आकर्षण गाढ़ा होता जाता है, किंतु बलपूर्वक या बाध्य होकर वस्तु में लिप्त रहने की भावना को त्याग देने से मन में अवश्य ही कष्ट होगा। कष्ट की मात्रा अत्यधिक होने पर वह मन में एक तरंग पैदा कर देगा जिससे किसी भी समय शारीरिक रोग उत्पन्न हो सकता है या साधक का नैतिक पतन करा सकता है। इसलिए सांसारिक जीवन छोड़कर बलपूर्वक सांसारिक मोह त्यागने से कोई लाभ नहीं होगा। चारित्रिक या मानसिक बल की वृद्धि के लिए चेष्टित नहीं रहकर संशय युक्त थोड़ा सा सुयोग या तथा सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से संसार त्याग करने में कोई पौरुष या वीरत्व नहीं है। पौरुष प्रधान व्यक्ति जागतिक मोह बंधनों के बीच रहकर भी वीरों के समान उनका सामना करते हुए धीरे धीरे उनको वश में कर लेंगे।
भयभीत होकर वे संसार छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। साधना है अविद्या माया के विरुद्ध संग्राम। संग्राम में विजयी होने के लिए वीर के समान शत्रु का सामना करना होगा। शत्रु को खुश करने से या उनके भय से भाग जाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जागतिक वस्तु में लिप्त हो जाने से के भय से संसार त्याग करना युक्ति संगत नहीं है। सांसारिक दुख कष्ट के भय से संसार त्याग करना भी उसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए अर्थोपार्जन कर परिवार तथा परिजनों का भरण पोषण करना पड़ता है, इसलिए यह थोड़ा कष्टदायक है। यह बात भी है कि यदि अर्थोपार्जन उचित ढंग से नहीं किया तो रोग यंत्रणा तथा भाग्य विडंबना के अतिरिक्त दरिद्रता का कष्ट भी भोगना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से ही मनुष्य अपने सभी दायित्व और कर्तव्य की उपेक्षा कर केवल अपनी चिंता लेकर संसार त्याग देता है, किंतु भाग कर अपने को बचाने की यह अपचेष्टा क्या उन पर निर्भरशील व्यक्ति के प्रति उदासीनता और कर्तव्यहीनता का की घोतक नहीं है? संसार त्याग कर जो वन में भाग जाते हैं वे अपने कर्तव्य और दायित्व की उपेक्षा कर घोर स्वार्थपरता का परिचय देते हैं। कर्तव्यहीनता और स्वार्थपरता अनुचित कर्म है, इसलिए इसका कुफल भोगे बिना मुक्ति लाभ करना संभव है। यह भी है कि संसार त्याग देने से ही मनुष्य अपने परित्यक्त स्त्री पुरुष की भावना से दूर नहीं कर दे सकता है। अविद्या माया के मोह रिपु द्वारा उत्पन्न प्रभाव से उनकी भावना उनके मन को चंचल कर देगी। परित्यक्त पुत्र करत्र तथा स्वजनों की भावना के कारण प्रगति रुद्ध हो जाती है। जो लोग संसार का त्याग कर सकते हैं वे मानसिक क्लेश और उद्वेग का अतिक्रमण कर जाते हैं। ऐसा कहने का अर्थ है कि वे लोग अविद्या माया के प्रभाव का ही अतिक्रमण कर गए हैं, क्योंकि भावना या कर्म में अविद्या माया के प्रभाव के अधीन में पड़े व्यक्ति के लिए मानसिक क्लेश भोग की उपेक्षा करना संभव नहीं है। उनके लिए तो संसार में रहना और वन में जाना एक ही समान है, क्योंकि अविद्या माया के प्रभाव को ही दूर हटाने के लिए तो मनुष्य वन गमन करता है। यह उद्देश्य यदि सिद्ध ही हो गया तो वन में जाकर कठोर तपस्या पूर्ण जीवन यापन और संसार में रहकर स्वाभाविक जीवन यापन, इन दोनों में से किसी से भी वे अभिभूत नहीं होंगे। केवल वस्तु का संग त्याग कर देने से ही मनुष्य अविद्या माया का बंधन पास तोड़ नहीं सकता है। इसके लिए उसको सूक्ष्म की ओर मन को ले जाना होगा। दूषित घाव की जगह को मक्खियां के उपद्रव से बचाने के लिए सदा मक्खियों को उड़ाते रहना कोई समाधान नहीं है। घाव को अच्छा करने की चेष्टा करनी होगी। सदगुरु द्वारा निर्दिष्ट साधना पद्धति ही है घाव को अच्छा करने का मलहम। अविद्या माया का बंधन शिथिल होते ही जागतिक मोह और दुर्भोग मनुष्य के आध्यात्मिक साधना में बाधक नहीं हो सकते हैं। इसलिए साधना जो अविद्या माया के हाथ से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, सांसारिक जीवन का एक अंग समझकर आसानी से किया जा सकता है। प्रारंभ में अविद्या माया बाधा अवश्य देगी, किंतु एक बार परास्त हो जाने पर वह फिर साधना में कोई बाधा सृष्टि नहीं कर सकेगी। संसार में नाना प्रकार की सुविधाओं के कारण संसार त्यागी से संसारी व्यक्ति को साधना का सुयोग अधिक है। जंगल में भाग जाने से सांसारिक दुख कष्ट से भी परित्राण नहीं मिलता है। सांसारिक जीवन में एक और बड़ी सुविधा है जन कल्याण, जो आध्यात्मिक साधना का एक मुख्य अंग है। उसका सुयोग संसार में रहने से ही मिलता है, वन में चले जाने से उस सुयोग से वंचित हो जाते हैं। श्रद्धा भक्ति सहित सदगुरु द्वारा निर्दिष्ट साधना पद्धति का अनुशीलन संसार में रहकर भी कर सकते हैं। इसके लिए घर और संसार त्याग करना निष्प्रयोजन है। प्रकृति पर आधिपत्य पाने के साथ ही साथ अविद्या माया का प्रभाव भी विलुप्त हो जाता है, और अध्यात्म साधना ही है अविद्या माया को हटाने का एकमात्र उपाय। इसलिए आध्यात्मिक साधना एक आवश्यक कर्म है। साधना के लिए स्थान विचार करना, अर्थात एक जगह को अच्छा या अनुकूल और दूसरी जगह को
मंद या प्रतिकूल समझने का अर्थ हुआ ब्रह्म की ही समालोचना करना। परिदृश्यमान जगत में प्रत्येक स्थान परम ब्रह्म का विकास है, इसलिए इसलिए स्थान विशेष को अच्छा या खराब कहने का अर्थ हुआ ब्रह्म में गुण का आरोप करना। साधना यदि प्रारंभ से ही अच्छा बुरा के विचार पर आधारित होगी तो साधक के लिए सृष्ट जगत के साथ एकात्म बोध कर जगाना कभी भी संभव नहीं होगा। ब्रह्म का प्रत्येक स्थान समान है और कोई भी स्थान साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। संसार त्याग कर वन में चला जाना बिल्कुल ही युक्तिहीन है और संसार छूट जाने के भय से साधना नहीं करना भी समान रूप से युक्तिहीन है। ब्रह्मचर्य के भय से भी बहुत लोग साधना से डरते हैं। वे समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ ही है इंद्रिय निग्रह, अर्थात स्त्री का संसर्ग पूर्ण रूप से वर्जन करना होगा। प्रचलित विश्वास के अनुसार वे समझते हैं कि इसके बिना साधना करना संभव नहीं है, इसलिए ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है और ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं यह जानना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाना तथा पूर्ण रूप से उसे ब्रह्म को समर्पण करना। अब यह भी जानना चाहिए कि मन की बहिर्मुखी वृत्ति क्या है और उसको कैसे अंतर्मुखी किया जा सकता है। प्रकृति के प्रभाव से सूक्ष्म सत्ता का स्थूल होना ही सृष्टि है। इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य अपनी चारों ओर की जिन वस्तुओं को सदा ग्रहण करता है वे ही स्थूल सृष्टि हैं और मन सृष्टि का सूक्ष्म अंश है। इसलिए प्रकृति के बढ़ते हुए प्रभाव से मन सूक्ष्म से जड़ में क्रमशः परिणत होता रहता है। प्रकृति के प्रभाव के कारण मन की वृत्तियों की गति बहिर्मुखी होती है, जिस कारण मन जड़ विषय में लिप्त हो जाता है। इसलिए मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करने का अर्थ ही है मन को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त करना या जड़त्व से सूक्ष्मत्व की ओर ले जाना। ब्रह्म स्वरूपतः सूक्ष्म है, इसलिए मन के जड़ से लिप्त रहने से उसे ब्रह्म में समर्पित नहीं किया जा सकता है। मन की गति को जड़ से सूक्ष्म की ओर फिरा देने के लिए उसको ब्रह्म में समर्पित करना होगा। मन के ऊपर से प्रकृति का प्रभाव हटने पर ही यह समर्पण संभव है, क्योंकि प्रकृति ही मन को चारों तरफ जड़ विषय में लिप्त कर देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ मन को प्रकृति के प्रभाव से मुक्त करना और जिनका मन ब्रह्म में समर्पित होकर उन्हीं में लीन हो जाता है वे ही हैं ब्रह्मचारी। उनका मन जड़ से आकृष्ट नहीं होकर सूक्ष्म में सन्निविष्ट होता है तथा सर्वदा ब्रह्म में ही विचरण करता है। केवल साधना के द्वारा ही अवस्था प्राप्त करना संभव है, अर्थात साधना के प्रभाव से प्रकृति के बंधन को शिथिल कर तथा मन को ब्रह्म में समर्पित करने पर ही मनुष्य ब्रह्मचारी हो सकता है। लौकिक विचार से काम रिपु को जय करना ही ब्रह्मचर्य समझा जाता है, किंतु वास्तव में षड रिपु और अष्ट पास की प्रत्येक गति बहिर्मुखी होती है। इन चतुर्दश रिपु और पास में केवल एक काम रिपु को वश में कर लेने से ही कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है। इन षड रिपु और अष्टपाश से युक्त अविद्या माया के कठोर बंधन से मुक्त होने पर ही मनुष्य ब्रह्मचारी हो सकता है। अविद्या माया का बंधन इतना दृढ़ है कि आध्यात्मिक साधना के बिना किसी भी तरह उसको अपने वश में करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक साधना के बिना जो ऐसा करना चाहते हैं वे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। आध्यात्मिक साधना जैसे जैसे मन को जड़ से सूक्ष्म की ओर ले जाती है मनुष्य क्रमशः ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता जाता है। षड रिपु और अष्टपाश की बहिर्मुखी गति जब धीरे धीरे अपने ही कम होती जाएगी उसका प्रभाव नष्ट हो जाने से मन बिल्कुल ही जड़ में लिप्त नहीं रह सकेगा। इसलिए आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करने के लिए स्त्री संसर्ग त्याग करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जागतिक वस्तुओं के प्रति काम और मोह रिपु से उत्पन्न आशक्ति ही मनुष्य को स्त्री संसर्ग से उत्साहित करता है। साधना के प्रभाव से इनका बंधन शिथिल हो जाने पर यौन संसर्ग की अत्युग्र कामना मन को उत्पीड़ित करती है। इस विषय में मनुष्य तब बहुत उदासीन हो जाता है, इसलिए साधना के लिए इसको त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पहले ही कहा जा चुका है कि साधना है प्रकृति के विरुद्ध संग्राम करना तथा संग्राम में उसको पराजित करना। साधना द्वारा अर्जित शक्ति अवश्य ही प्रकृति की शक्ति से अधिक है, इसलिए साधना के बल पर मनुष्य ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो सकता है। अविद्या माया का बंधन कितना भी मजबूत क्यों न हो साधना द्वारा अवश्य ही उसका मूलोच्छेद किया जा सकता है।
इसलिए ब्रह्मचारी होने के लिए स्त्री संसर्ग वर्जित करने के बदले आध्यात्मिक साधना ही अत्यावश्यक है। इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य का लौकिक अर्थ वीर्य धारण उपेक्षा का विषय नहीं है। स्नायु कोश और स्नायु तंतुओं की परिपुष्टि के लिए शुक्र धातु और वीर्य का प्रयोजन अनिवार्य है। इसलिए मन को दृढ़ बनाने के लिए तथा बौद्धिक विकास के लिए इसको बचा कर रखना आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि पहले जीवन में धनोपार्जन कर वृद्धावस्था में सभी कर्मों से अवकाश ग्रहण कर साधना प्रारंभ करेंगे। वृद्धावस्था में अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाने पर कर्म करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। इसलिए शक्ति रहते ही यदि यथेष्ट धन उपार्जन नहीं कर लें तो वृद्धावस्था में सुख से कैसे रहेंगे। इस चिंता से मनुष्य व्याकुल होकर अपने जीवन के प्रथम भाग को अर्थोपार्जन के लिए ही लगाता है और वृद्धावस्था के कारण जब कर्म करने की क्षमता नहीं रहती है तब भगवान का नाम जप करता है। साधना के लिए कठोर परिश्रम का प्रयोजन नहीं है। ऐसी भ्रांत धारणा के कारण ही वे वृद्धावस्था को साधना के लिए उपयुक्त समय समझते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। कोई नहीं जानता है कि किसकी मृत्यु कब होगी। प्रत्येक मुहूर्त मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त होगा ही, यह निश्चित है। निश्चित नहीं है किंतु फिर भी जीवन के सबसे गुरुत्वपूर्ण कार्य आध्यात्मिक साधना को वृद्धावस्था में करने के लिए रख छोड़ते हैं, जबकि संपूर्ण जीवन के घात प्रतिघात और कृत कर्मों के पश्चाताप से शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, मन पुराने संस्कारों में लिप्त हो जाता है और नवीन विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य लुप्त हो जाता है। साधारणतः मनुष्य मृत्यु के भय से ही वृद्धावस्था में भगवान को स्मरण करता है। संपूर्ण जीवन में किए गए कुकर्मों के भय से भयभीत तथा असहाय होकर वह भगवान के सम्मुख कृत कर्मों के पाप से अपने को बचाने के लिए कातर होकर प्रार्थना करता है। इसलिए बुढ़ापा के जीर्ण शीर्ण देह और अवसन्न मन से सारे जीवन के संस्कार भोग जनित ग्लानी के साथ भगवान का नाम जप करने से कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि बुढ़ापे के कारण शारीरिक दुर्बलता, रोग, व्याधि और आने वाली मृत्यु भय और अतीत जीवन की चिंताओं में ग्रस्त बन तब किसी भी प्रकार एकाग्र होकर आध्यात्मिक साधना नहीं कर पाता है। एक बहुत प्रचलित कहावत है, कांचा थाकते नुए बांस पाकले करे टांस टांस, कच्चा बांस ही नवता है, पका बांस नवाने से फट जाता है। अर्थात नया कुछ भी जीवन के प्रारंभ में ही करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना के विषय में भी यही बात है। कुछ लोग जागतिक भोग विलास छूट जाने के भय से दूर भागते हैं। यह अकारण भय उन लोगों को आध्यात्मिक अनुशीलन से वंचित कर देता है। पहले ही कहा जा चुका है कि प्रकृति के तमोगुणी प्रभाव के फलस्वरूप ही जागतिक भोग वस्तुओं का उद्भव हुआ है और मनुष्य अविद्या माया के प्रबलता के कारण इनको यथार्थ समझकर इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। अध्यात्म साधना से अविद्या माया का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाने से मन की गति भी सूक्ष्म की दिशा में हो जाती है। उस समय जागतिक भोग वस्तुओं का भी मोह भी हट जाता है। अविद्या माया के आश्रय काम, मोह और लोभ, ये तीनों रिपु मनुष्य को भोग वस्तुओं की ओर ले जाते हैं और इसका प्रभाव कम होते ही भोगोन्माद का भी ह्रास हो जाता है। साधारणतः मनुष्य जागतिक भोग विलास से हर्षित होता है और भोग विलास त्यागने की भावना से दुखी होता है, किंतु मन के निलिप्त हो जाने पर इनके त्याग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इनके छूट जाने से मन में तब कोई भी कष्ट नहीं होता है, वरन मन उस समय सुख का अनुभव करता है। वांछित वस्तु नहीं पाने पर ही मन में दुख होता है, अवांछित वस्तु को प्राप्त करने की बात ही कहाँ उठती है। उदाहरणार्थ शराब के अभाव में शराबी को बहुत कष्ट होता है, किंतु शराब से अनासक्त व्यक्ति का इससे कुछ भी आता जाता नहीं। उसके मन में कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इसके लिए उनको किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता है। साधना द्वारा मन सूक्ष्म की ओर जाता है। जड़ विषय का भोग उनको निरस मालूम होता है। यही यहाँ तक कि जड़ का संसर्ग भी उसको असहनीय हो उठता है। ऐसी अवस्था में जड़ के छूट जाने का या नहीं पाने का दुख मन में हो नहीं सकता है,
कुछ लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक साधना के लिए भोग विलास से अपने को बलपूर्वक दूर हटाना होगा और इस भावना से वो घबरा जाते हैं, किंतु इस प्रकार जबरदस्ती करके मन को कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जबरदस्ती मन को विषय से दूर रखने पर शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे स्वास्थ्य गिर जाएगा। साधना मार्ग में कहीं जबरदस्ती करने का प्रश्न ही नहीं होता है। सदगुरु द्वारा निर्दिष्ट साधना पद्धति में ऐसा ही महात्म्य है कि साधक के अनजाने ही मन जड़ को भूलकर सूक्ष्म की ओर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जड़ के साथ संबंध संपूर्णतः छोड़ देता है। इसलिए भोग विलास को त्यागने के भय से साधना नहीं करना भूल है, इसमें कोई युक्ति नहीं है। विचार पूर्वक देख चुके हैं कि साधना से भयभीत होना अकारण है। मनुष्य मात्र का अविस्मरणीय साधना को अकारण भय से भयभीत होकर त्याग देना केवल मूर्खता है। इसलिए भय से घबरा कर किसी को भी साधना का मार्ग नहीं त्यागना चाहिए। साधना द्वारा ही मनुष्य को आत्म उपलब्धि करनी होगी, अपने भूमा मय को जानना होगा।